वशिष्ठ जी ने एक सही मार्ग दिखाया और कहा कि हे राजन, आप यदि संतान चाहते हैं तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए और श्रृंगी ऋषि आकर के यदि पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराते हैं अयोध्या में, तो अति शीघ्र आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि आए। राजा दशरथ जब श्रृंगी ऋषि के पास जा रहे थे तो कहते हैं कि मैं अभी जाता हूं अपने हाथी घोड़े चतुरंगनी सेना लेके। पर गुरुदेव तो गुरुदेव है, मैंने कहा ना उचित और अनुचित बताते हुए जो मार्गदर्शन करे, जो हमेशा अच्छी बातें बताए, अपने शिष्य का हित चाहे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन यदि चतुरंगनी सेना लेके एक राजा बनकर के जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और यदि एक भिक्षुक की भांति झोली खाली लेकर के जाओगे तो वो एक ऋषि का दरबार है, वहां से भर भर के झोली लेकर के लौटोगे। राजा दशरथ ने निर्णय लिया, बिना जूता चप्पल के, बिना राज सीय थाट बाट के, राजा दशरथ एक सामान्य मानव की तरह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। श्रृंगी ऋषि से निवेदन किया, आशीर्वाद मिला। श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या में पधार करके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। देखिए, यज्ञ मानव के जीवन का एक बहुत सुंदर कर्म है।